तुम्हारा कोई भूत पितर खड़ा हुआ है जिसकी वजह से आपके घर में परेशानी चली हुई है। कई बार गंदे सपने दिखते हैं गंदे कर्म में, और ऐसा महसूस भी होता है कि जैसा कि कोई हमारे पास है या हमारे साथ कुछ गलत हरकतें करने की कोशिश कर रहा है। एक मेरे को एक चीज, हनुमान जी की पूजा करके किसने छोड़ी हुई है? हनुमान जी की माँ जी बड़े वाला लड़का करता था, उसने छोड़ दिया। क्यों? उसके हिसाब से कारोबार नौकरी नहीं मिली? नहीं गुरु जी, वो जैसे पढ़ाई कर रहा था, पहले जाता था मंदिर में, लेकिन अभी फिलहाल जा नहीं पा रहा। जो उसने अपनी इच्छा के लिए जो कर्म किया था उसको इच्छा की प्राप्ति भी नहीं हुई। हाँ जी, तो इसका पता नहीं क्या, उसको अपने आप ही मन से हट गया जी। मन पीछे हट गया फिर? ये तो स्वाभाविक क्रिया है इंसान की, जब उसका वहां से काम स्थापित हो तो अपने आप ही हट जाता है। एक मेरे को एक चीज बताओ मैया, यहाँ पर कोई लेडीज आ रही है मेरे सामने, तुम्हारे घर की कोई लेडीज मरी हुई है कि तुम्हारे परिवार में जवान अवस्था में? जवान अवस्था में मुझे तो इतना पता नहीं, ज्यादा मुझे पुरानी बात पता नहीं है गुरु जी। बता करना है, तीसरी पीढ़ी में से मरी हुई है? कई बार आपको ऐसा लगता था जैसे आपके घर में कोई आवाज मार रहा है? हाँ जी। ठीक है, तो यहाँ हाँ, तो यहाँ पर आपके घर में संकट भी है और देवता पूर्ण रूप से नहीं, उनको पूर्ण तरीके से शुद्ध कराओ, फिर अपने आगे का मार्ग लीजिए। क्योंकि अब आपने यहाँ पूछा ले तो इसमें भी आपके देव देवता क्रोधित हो जाते हैं, क्या हम पे विश्वास नहीं था? यही चीजें होती है ना। चलो कृपा हो जाएगी। आपको क्या करना है, गंगा जी स्नान करो, हनुमान जी की दोबारा पूजा स्टार्ट करो, कृपा हो जाएगी। ठीक है गुरु जी, ठीक है, बहुत धन्यवाद। और गुरु जी एक बात और बताओ, मैं माता की भी पूजा करती हूँ, काली माता की भी पूजा करती हूँ, पूजा करती हूँ। अभी उनकी कृपा नहीं आ रही क्योंकि तुम्हारे देवता ही पुण्य हुए है। ठीक है, जय माता। चुप के पूछा ले रही हो ना सबसे? हाँ जी, हाँ जी। चलो जय माता दी।